बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना कुछ बोले, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये आज का वीडियो आप ही के लिए है। मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर YouTube से कमाई करने का कोई बहुत आसान तरीका बताओ, पर वो तरीका रियल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए और 100% फ्री का तो होना ही चाहिए। तो आप सब लोगों के आदेश अनुसार मैं आज बिल्कुल ऐसा ही तरीका आप सबके लिए लेकर आया हूं, 100% फ्री का तरीका है। अब ये सुनने में एक इम्पॉसिबल सी, असंभव सी चीज लग सकती है आप में से कुछ लोगों को, पर मैं आज की वीडियो में ये संभव पॉसिबल बनाकर लाए हूं आपको। इस तरीके को एक प्रैक्टिकल जामा पहनाने में या शेप देने में मेरे ऑफिस स्टाफ को पूरा एक हफ्ते का समय लगा है। दोस्तों देखिए, दोस्तों ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं आज की डेट में, आपने देखे होंगे, जो सिर्फ यूट्यूब पर कामयाब होने या पैसा कमाने के तरीके ही बताते हैं अपने हर वीडियो में, पर उनके 4-5 मिनट की वीडियो देखकर आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ है और ना हो सकता है, क्योंकि 3-4-5 मिनट का कोई वीडियो देखकर आपको क्या सिखाएगा और आप क्या सीखेंगे यार, ठीक है। और या कुछ ऐसे भी यूट्यूब चैनल हैं जो आपको 5,000 से 20,000 रुपए तक का यूट्यूब पे कामयाब होने का कोर्स बेचते हुए दिखते हैं, जिनमें वो सिखाते हैं कि कामयाब यूट्यूबर कैसे बने, पर आज तक उनके कोर्सेज से कोई कामयाब नहीं हुआ, किसी ने ठन्नी भी नहीं कमाई। जिस तरीके के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, इस तरीके के बारे में कुछ यूट्यूबर ने पहले बताया पर उन्होंने अध पकी जानकारियां दी हैं, जैसा कि उनकी आदत है वो ऐसे ही करते हैं, तो आपकी समझ में उसमें क्या आना है। तो यूट्यूब पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करके पूरी तरह से पकी पकाई जानकारियां मैं आज के वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूं। अपन तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल, मैं पिछले 28 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं और इतने सालों के एक्सपीरियंस के दम से मैं आप सबके लिए पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाकर रेगुलरली लेकर आता हूं। और एक रुपया तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं आप में से किसी की भी जेब से एक पैसा भी कहीं खर्च या इन्वेस्ट नहीं होने देता हूं। देखिए दोस्तों, आपका यूट्यूब वीडियो कोई 13 साल का लड़का या लड़की देखे या कोई 80 साल का बुजुर्ग देखे, व्यू तो सबका एक ही काउंट होता है, व्यू के ऊपर कोई उम्र नहीं लिखी होती है। तो मैं आज आपको कॉपी पेस्ट करके एक ऐसा वीडियो बनाना सिखाऊंगा जिसको कम उम्र के लोग, यानी कि 13 साल से 24 साल के लोग सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं और सारी दुनिया में यूट्यूब पर आकर वीडियोस देखने वाले कुल लोगों की तादाद में से 70% इसी उम्र के लोग हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पर चलते हैं, अब आपके सामने वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही YouTube वीडियोस मैं आज आपको कॉपी पेस्ट करके बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ, आपके नए पुराने मोबाइल फोन पर ही बन जाएंगे और इसी तरह के कॉपी पेस्ट करके बनाए हुए वीडियोस दूसरे यूट्यूबर्स ने बनाकर डाल रखे हैं। ये बेसिकली गेमिंग वीडियोस होते हैं और देखिए हर वीडियो के ऊपर लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, ठीक है, और इन्हें बनाना बहुत आसान है। ये एक तरह के गेमिंग वीडियोस होते हैं, आपने देख लिया, आप समझ गए, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आज। और ये मोनेटाइज भी होते हैं और इनमें कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आती है, क्योंकि इनको बनाते हुए एक जुगाड़ लगाना मैं आज आपको पहली बार बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सिखाऊंगा पहले बताता हूं और फिर प्रैक्टिकली बारीकी से सिखाऊंगा भी आगे चल के। सबसे पहले एक फ्री की 4K स्क्रीन रिकॉर्डिंग कराने वाली मोबाइल ऐप को आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड करना और उसमें से वाटरमार्क हटाने की सेटिंग करना सिखाऊंगा। इसी का इस्तेमाल करके हम गेमिंग वीडियोस को आपके मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद 10 अलग अलग और 100% फ्री की मोबाइल गेमिंग ऐप्स के बारे में बताऊंगा और उनमें से एक मोबाइल ऐप में एक गेम चलाकर उसको रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको, पर इसमें खास सेटिंग से सिर्फ साउंड इफेक्ट्स की आवाजें ही रिकॉर्ड होंगी, जैसे कि गन चलने की आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाजें, कुछ टूटने फूटने की आवाजें। इन्हीं गेम्स में ये मोबाइल ऐप ही खुद ही म्यूजिक भी डालकर देती है ताकि वो इंटरेस्टिंग हो, उसको एक सेटिंग से हटा देना भी सिखाऊंगा और उसकी जगह YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी से म्यूजिक निकालकर एक नए बने हुए गेमिंग वीडियो में लगाना भी आपको सिखाऊंगा, ताकि आपका इस तरह का YouTube वीडियो फिर मोनेटाइज होगा और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगी। बहुत आसान है, आप कर लोगे, आप चिंता मत करो। उसके बाद मैं आपको इस नए बने हुए गेमिंग वीडियो का गैर जरूरी हिस्सा एडिट करके हटाना सिखाऊंगा, यह भी एक फ्री की मोबाइल ऐप पर ले जाकर सिखाऊंगा, यह भी बहुत आसान है, आप कर लोगे। उसके बाद एक नया YouTube चैनल बनाकर यह नया बना हुआ गेमिंग वीडियो उसमें डालना, टाइटल लिखना, टैग्स और डिस्क्रिप्शन लिखाना वगैरह भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये होगा एक रियल और प्रैक्टिकल तरीका YouTube से पैसा कमाने का। तो चलिए सब कुछ सिखाना शुरू करता हूं। अब दोस्तों आपके सामने है मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन, आज सब कुछ मैं आपको अपने मोबाइल फोन पर ही सिखाऊंगा, ठीक है। आपके सामने एक वीडियो रिकॉर्डर खुला हुआ है, इसका नाम है एक्स रिकॉर्डर, ये खास तौर पर गेमिंग के वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ही होता है। ये मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाला हुआ है, 4K क्वालिटी के वीडियोस ये रिकॉर्ड करने देता है, डाउनलोड करके ले जाने देता है 4K क्वालिटी में और बिना वाटरमार्क के, ठीक है। 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, यानी
तकरीबन 10 करोड़ और फ्री का है। ठीक है, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लिक करते ही ऐसे खुल जाएगा। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे, उसके बाद ये पेज खुलेगा, अलाउ कर देंगे। ऐसा करते ही ये रिकॉर्डिंग कराने वाली मोबाइल ऐप आपको आपके मोबाइल फोन के उस हिस्से में ऑटोमेटिकली ले जाएगी, जहां पर ये आपसे ये कहेगी कि भैया हमें ये आप कुछ अलाउ कर दीजिए, कुछ परमिशंस दे दीजिए कि इंटरनल ऑडियो या वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन में वो अभी रिस्ट्रिक्ट हो। ठीक है, अब यहां से आपने वही एक्स रिकॉर्डर की मोबाइल ऐप चूज कर लेनी है। यहां पर आपको आपके मोबाइल फोन में डली हुई सभी एप्स दिखती हैं, समझ गए। अब यहां पर आपने अगर पहले से ग्रीन नहीं है टिक करके ग्रीन कर लेना है, समझ गए। उसके बाद ही रिकॉर्डिंग करने देगा आपका मोबाइल फोन इस ऐप के जरिए। अब हम बैक कर देंगे, बस एक बार और कर देंगे, सेटिंग हो गई। उसके बाद आप ये पेज खुलेगा, ठीक है, आपके मोबाइल फोन पर। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक बार और कर देंगे, दोबारा से अलाउ अलाउ पर क्लिक करते चले जाएंगे जब तक आता जाएगा। अब रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले हम इस ऐप पर कुछ सेटिंग्स करेंगे, ठीक है, जहां पर सेटिंग का बटन है क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमने दो सेटिंग्स करनी है, एक ऑडियो की एक ओरिएंटेशन की। ठीक है, पहले ये करेंगे, यहां क्लिक करेंगे, जहां ये म्यूट लिखा होगा इसको छोड़कर आपने यहां क्लिक कर देना इंटरनल ऑडियो। ठीक है, व्हाइल यूजिंग दिस ऐप यहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल ऑडियो यहां पर सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब दूसरी सेटिंग करेंगे, उसके लिए बैक पे जाएंगे। ओके, वहीं आ गए, देखिए सेटिंग हो गई हमारी इंटरनल ऑडियो। अब ओरिएंटेशन पे जाएंगे, यहां लैंडस्केप क्लिक कर देना। अभी ऐसा क्यों है मत सोचिए, मेरे स्टाफ ने ढूंढ के निकाला, यही ठीक तरीका है, आपकी रिकॉर्डिंग इस तरह से अच्छी होती है। अब यहां पर एक और सेटिंग कर लेते हैं, मैं बताना भूल गया, वीडियो सेटिंग्स में जाके हम यहां पर HD की क्वालिटी कर लेंगे। ओके, और ये राइट बटन पर क्लिक कर देंगे। बस दोस्तों, इस ऐप की सेटिंग्स हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे वो 9-10 अलग अलग मोबाइल ऐप जिसमें आप 100% फ्री के गेम्स चलाकर खेलकर रिकॉर्ड कर इस रिकॉर्डर के जरिए, और उसके बाद उसको वहां से निकाल लेंगे यहां से, और उसके बाद उसको यूट्यूब पर डालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने रिसर्च करवाई है अपने स्टाफ के जरिए, जो 9-10 मोबाइल ऐप्स हैं जिनमें बहुत शानदार 100% फ्री के गेम्स खेलने की फैसिलिटी है। चलिए वो उनमें से पहली ऐप खोल के दिखाता हूं। अब आपके सामने एक मोबाइल गेम की ऐप खुली हुई है। ठीक है, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फ्री का है इसलिए लेकर आया हूं आपके लिए। 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। तो जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके मोबाइल पे खुल जाएगी, इंस्टॉल कर लेंगे। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक मोबाइल ऐप है जिस पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप गेम्स को खेलकर और उनको रिकॉर्ड करके किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक मोबाइल ऐप है, इसी तरह की 8-9 और हैं जो मैंने ढूंढ कर निकाली और बहुत शानदार है, सब फ्री की है और वो रिकॉर्डिंग भी करने देती है। ठीक है, और जो दूसरी ऐप्स हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी ऐप्स हैं। एक है एंटी टेररिस्ट शूटिंग गेम, एक है गन स्ट्राइक, एक है मॉडर्न कॉम्बैट वर्सेस FPS गेम्स, एक है रोप हीरो, एक है सुपर हीरो, एक है स्नाइपर 3D, एक है गैंगस्टर वेगस, एक है जॉम्बी फ्रंटियर 3, एक है नेक्सस सुपर हीरो। ठीक है, ये सब हमने चेक करी हैं, जिस तरीके की वीडियोस आप निकाल सकते हैं इनसे रिकॉर्ड करके और अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हैं, और वो सब की सब चलेंगी, लोग उनको पसंद करेंगे। कमाल की यहां पर एप्स हैं जो आपको रिकॉर्डिंग भी करने देती हैं। ठीक है, इनके अंदर एक सेटिंग बहुत आवश्यक होती है, वो मैं आपको इस ऐप में करके दिखा दूंगा। उसी तरह की सेटिंग आप बाकी एप्स में भी लेंगे। इस ऐप को मैं खोल के आपको दिखा देता हूं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि मैंने ये ध्यान रखा अपने स्टाफ को बोलकर कि सिर्फ उन्हीं गेम्स की ऐप्स को हमने आपको बताना है, आपको जानकारी देनी है उनके बारे में, जिनको खेलने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। यानी आपका एक पैसे का भी इंटरनेट का खर्चा नहीं होगा, मैं आपका खर्चा नहीं करने दूंगा कहीं पे। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी अलग अलग गेमिंग ऐप्स के लिंक दिए, क्लिक करके जब आपके यहां खोल लेंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पर एक आपको छोटा सा एक आइकन दिखेगा। ये उस रिकॉर्डिंग ऐप का आइकन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड करवाई थी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहां दिखेगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये करना है कि आपने इस आइकन पर एक बार क्लिक कर देना है, और ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, यहां क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली आपने यहां पर ओके कर देना है। अब ये रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो गई, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते ही। इसी तरह से आप जब भी किसी मेरी दी हुई नीचे लिंक्स पर क्लिक करेंगे, किसी भी गेमिंग ऐप को खोलेंगे, तो सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है। ठीक है, यानी अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो रिकॉर्डिंग के दौरान आप रिकॉर्डिंग करेंगे जो काम के हिस्से नहीं है, वो कैसे एक और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके काट के निकाल देने हैं। मैं आपको हर तरीके से ट्रेन करूंगा दोस्तों। मेरी ये कोशिश रहेगी कि अभी तक अगर आप यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सके, कोशिश कर रहे हैं या आपने कोशिश ही नहीं की, तो एक रियल कोशिश मैं आज के वीडियो में मन से आपके करवाने जा रहा हूं, जिसमें बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना अपनी तरफ से कुछ भी बोले, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप यूट्यूब पर कामयाब होकर पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। हजारों लाखों लोग कर रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रूफ भी दिखाया था किस तरह से इसी तरह के गेमिंग एप्स को डाउनलोड करके उनको खेलकर उसकी रिकॉर्डिंग करके उसमें अच्छा सा एक म्यूजिक लगा के यूट्यूब चैनल्स पर डालकर बहुत सारे लोग मिलियंस व्यूज ले रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं प्ले पर क्लिक करके खेलना शुरू करूंगा। प्ले पर क्लिक करते आपका मोबाइल फोन इस तरह से ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाता है, और उसके बाद देखिए इस तरह से एक आपके सामने पेज खुलेगा। यहां पर टच टू कंटिन्यू करके हम शुरू करेंगे, एक्सेप्ट करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद ये कुछ आपको गाइड करेगा, बस टच टू कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपको
ये गाइड करेगा कि ये गेम कैसे खेलनी है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा गाइडेंस पढ़ लेंगे तो अच्छा है, आप अच्छा खेलेंगे, ताकि उसकी जब रिकॉर्डिंग करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे जो दो लोग देखने आएंगे उन्हें लगेगा यार ये अच्छा खेल रहा है, हमें भी इसके जैसा ही खेलना है। बेसिकली आप उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि गेम्स कैसे खेलने हैं, ठीक है। चक्कर में वो आपके इस यूट्यूब नए बने हुए चैनल पर आपकी इस गेम को देखने आएंगे, खेलने आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्किप ट्यूटोरियल कर देंगे, ये कुछ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भी यस कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका गेम शुरू हो जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग चालू है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और जो अननेसेसरी हिस्से हैं वो कैसे हटाने हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको ऑडियो की एक सेटिंग करनी है। हमें यहाँ पर वो आवाज तो चाहिए जो यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट्स हैं, जैसे कुछ चिल्ला रहे हैं, कोई गोली चल रही है या कोई इस तरह के इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो इसमें म्यूजिक लगा हुआ है वो हमें हटाना है, क्योंकि हो सकता है उस पर कॉपीराइट आ जाए। वो कैसे सेटिंग करनी है देख लीजिए। अब देखिए उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखिए सेटिंग पे जाएंगे, अब देखिए जहां पर म्यूजिक के सामने लिखा है ऑन, यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे, ये ऑफ हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये कि म्यूजिक ऑफ हो गया, लेकिन जो साउंड इफेक्ट्स हैं, ये जो चीखने चिल्लाने की या गन की या किसी और तरह की कोई चीजें टूटने की आवाज आती है वो रहेगी। वो इफेक्ट तो चाहिए, नहीं तो जो आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें मजा ही नहीं आएगा किसी देखने वाले को। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो म्यूजिक है ये हम इस ऐप का या किसी भी ऐप का, गेमिंग ऐप का नहीं लेंगे यहां से ऑफ करके, क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ सकता है। क्योंकि आप भी इसी म्यूजिक को डाउनलोड कर लेंगे, इसके साउंड इफेक्ट्स के साथ में 100 लोग और कर लेंगे मेरा वीडियो देख के, जब सभी के सभी लोग यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो सब में एक ही तरह का म्यूजिक होगा जिस पर कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। वो हम यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी है जिसके अंदर उसने हजारों अलग अलग तरह के हिसाब से, अलग अलग तरह के वीडियोस के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री में दिया हुआ है, वहां से निकालकर यहां डाल देंगे। साउंड इफेक्ट अपनी अपनी जगह रहेंगे, यानी चीखने चिल्लाने की या बंदूक की आवाजें, उससे आपका वीडियो कॉपीराइट फ्री हो जाता है, समझ गए। ये करना जरूरी है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। इतनी बारीकी में कोई नहीं बताता है, बताता है तो मुझे प्रूफ कर दो, कमेंट में लिख दो। अब उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद आप अपना गेम खेलना यहां से रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। मैं फिलहाल इसको यहां से गेम को रोक देता हूं, अब क्योंकि मैं सेटिंग वगैरह कर रहा था तो पीछे से मैं गेम हार गया, ठीक है। तो मैं इस गेम को अब दोबारा से खेल लूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग तो चली रही है। एक गेम मैं आपको पूरा प्रोसेस करके रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, उसी तरह से बाकी के 9 मोबाइल गेम्स भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, बस आपने क्लिक करके इस तरह से अलग अलग चला लेने हैं। मैंने देख लिए आजकल जितने भी जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें इस तरह के गेम्स देखना और खेलना पसंद है, और क्योंकि फ्री के वो भी खेलते हैं तो वो कई बार क्या करते हैं यूट्यूब पर जाके ये देखते हैं भैया ये वाला जो गेम है कैसे खेलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वो वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको व्यूज मिल जाएंगे। तो मैं वापस से आपको इसी स्क्रीन पे ले जाकर थोड़ा सा गेम खेल के, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमारी ऑन है, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। अब देखिए इसमें दिखा रहा है कि मैं जीत गया, इतना ही आसान है दोस्तों। मैंने आज तक गेम नहीं खेली, पहली बार खेली आपके सामने रिकॉर्डिंग करते हुए, ठीक है, और ये मैं जीत भी गया। तो बहुत ही आसान गेम्स हैं, ओके। तो अब आपकी ये रिकॉर्डिंग चालू है, मैंने आपको जैसे बताया था। अब हम इस रिकॉर्डिंग को रोक लेंगे, ठीक है, यहीं पे दोबारा क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पर क्लिक करने से रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। अब देखिए जो रिकॉर्डर ऐप थी जिसका नाम था एक्स रिकॉर्डर, ठीक है, उसकी तरफ से एक ये मैसेज आया, वीडियो सेव हो गया, ओके। अब ये जो वीडियो हमने निकाल लिया, इसके अंदर से म्यूजिक हमने हटा दिया था, लेकिन जो स्पेशल इफेक्ट्स वाली साउंड्स थी, किसी भी तरह की गन फायर की या पिस्टल की या शोर की या चीखों की, वो हमारे पास वीडियो में आ गई है, ठीक है। अब हमें म्यूजिक लगाना आवश्यक है, वो म्यूजिक हम लेंगे यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से, जो बहुत अच्छा म्यूजिक होता है और कॉपीराइट फ्री होता है। तो चलिए उसके लिए मैं यूट्यूब की लाइब्रेरी खोल के दिखा देता हूं आपको। मैंने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से क्लिक करके अगर आप जाएंगे तो ही आप उसको खोल पाएंगे, अगर आप वैसे जाएंगे तो वो खुलेगा नहीं। अब आपके सामने YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी खुली हुई है, इसके अंदर हजारों बैकग्राउंड म्यूजिक हैं। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यार कौन सा म्यूजिक ये जो गेमिंग आपने ऐप पर जो अपना रिकॉर्डिंग की है उसके लिए सुटेबल है। हर म्यूजिक तो वहां चलेगा नहीं, अजीब सा लग सकता है, ठीक है। तो मेरे स्टाफ ने 150 यानी 150 से ज्यादा ऐसे ऑडियो जो इस ऑडियो लाइब्रेरी के ही हैं जो कॉपीराइट फ्री हैं, उनके नाम एक और साइट पर डलवा दिए, ठीक है। बस वहां से आप एक नाम कॉपी करके यहाँ की सर्च बार में डालिए, क्लिक कीजिए, वही आपको ऑडियो या म्यूजिक मिल जाएगा। बस उसको यहाँ से निकाल के ले जाइए और अपने वीडियो के अंदर डाल लीजिए, मैं आपको डालना दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपका समय बचाने के लिए मैंने ये किया है। अब मैं आपको साइट पर लेके चलता हूँ जहां पर मैंने ये सभी जो म्यूजिक अच्छे हैं, जो वीडियो के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, वो डलवाए हैं, देख लीजिए कौन से हैं। अब आपके सामने एक साइट खुली हुई है, मेरी साइट है, इसका नाम है edufreebie.com, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करते इस तरह से खुल जाएगी, मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहीं पर मैंने आपके लिए उन म्यूजिक्स के नाम डलवा दिए हैं जो ये जो गेमिंग
की आप वीडियोस बना रहे हैं उसके लिए परफेक्ट है, ताकि आपका समय बचे। देखिए जहां लिखा है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, यहां पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दो लिस्ट खुल जाएंगी। ये है फ्री म्यूजिक फॉर गेमिंग वीडियोस, ठीक है, ये दूसरा था, ठीक है, ये मैंने वीडियो पहले बनाया था किसी और काम से। यहां पर क्लिक करेंगे, ये एक विज्ञापन आएगा, बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर मैंने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के बेस्ट 150 म्यूजिक जो इन वीडियोस के लिए परफेक्ट है उनके नाम यहां डलवा दिए, ठीक है। आप यहां से कोई भी नाम चूज कर सकते हैं, ये तीन पेजेस के ऊपर डलवाए गए हैं, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। तो मैं इनमें से कोई भी एक म्यूजिक का नाम यहां से कॉपी करके ले जाऊंगा और YouTube ऑडियो लाइब्रेरी की जो ऐप खोल रखी है मैंने आपके सामने उसमें सर्च बार में डाल दूंगा और फिर वो म्यूजिक वहां पर दिखेगा, मैं उसको एक बार प्ले कर लूंगा, उसके बाद डाउनलोड करके ले जाऊंगा और अपने रिकॉर्डेड वीडियो में लगाऊंगा। अब मैं इस म्यूजिक के नाम को कॉपी कर लेता हूं। अब बस आप यहां पर कहीं पर भी अपनी फिंगर रखेंगे आपको कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप ये पूरी लाइन कॉपी कर लीजिएगा। और अब मैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी पे जाकर इसको पेस्ट करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं जहां एरो का निशान है, ठीक है, अब देखिए बस यहां पर आपने उसको पेस्ट कर देना है। अब देखिए जैसे मैंने डाला ये आ गया, यहां पर क्लिक कर देंगे तो इसने ले लिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, और ये ट्रैक भी दिखा दिया उसने, ओके। बस ऐसा करते ही आपको म्यूजिक दिख जाएगा, ठीक है, और यहां से प्ले हो जाएगा, इसको आप सुन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब मैंने प्ले कर दिया, मैं इसको एक बार रोक देता हूं, सुन लिया मैंने कैसा म्यूजिक है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये डाउनलोड कहां से होता है। देखिए ये डाउनलोड का बटन यहां पर ऑन तभी होता है जब आप इसको एक बार प्ले कर लेते हैं, ब्लू हो जाता है, इसका मतलब ये डाउनलोड के लिए तैयार है, इस पर क्लिक कर देंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है, आपने जो भी अभी वीडियो रिकॉर्ड किया वो आपके मोबाइल फोन के गैलरीज या फोटो सेक्शन में दिखेगा, ठीक है, और यहां से जो आपने म्यूजिक डाउनलोड किया वो आपके फोन के फाइल सेक्शन के म्यूजिक सेक्शन में दिखेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमने जो अपना गेमिंग का वीडियो रिकॉर्ड करके निकाला था उसके साथ में हम ये म्यूजिक अटैच करेंगे, उसके लिए मैं एक आपको 100% फ्री की मोबाइल ऐप पर लेकर चलूंगा जहां पर ये सब होगा 2 मिनट के अंदर सिर्फ कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, वो एक तरह की वीडियो एडिटिंग ऐप है। अब देखिए आपके सामने एक वीडियो एडिटिंग ऐप खुली हुई है, इसका नाम है वीटा, ठीक है, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करते ही इस तरह से खुलेगी, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, एग्री पर क्लिक कर देंगे, अलाउ कर देंगे, ये छोटा सा विज्ञापन आएगा, यहां से बंद कर देना। अब दोस्तों ये जो वीडियो एडिटिंग ऐप है यहां से आप जो भी वीडियो निकाल कर ले जाएंगे HD क्वालिटी के अंदर एडिट करके, ठीक है, उसके अंदर एक वाटरमार्क आ जाता है ऑटोमेटिकली, उसको हटाना कैसे फ्री में देख लीजिए। देखिए जहां पर ये आपको एक आइकन दिख रहा है यहां पर क्लिक करेंगे, अब देखिए वीटा वाटरमार्क लिखा हुआ है, ये आता है, इसको यहां से क्लिक कर दिया तो ये हट गया। अब ये क्यों हट गया, ये यहां पर सेटिंग है, लेकिन फिर भी HD क्वालिटी में ले जाने देता है और फ्री का है, अगर आप 1000 बार भी यहां से कोई वीडियो एडिट करके निकाल कर ले जाएंगे तो भी फ्री ही रहता है, वीटा मोबाइल ऐप ये अलाउ करती है, ठीक है। अब मैं फिलहाल यहां से बंद कर दूंगा, ये सेटिंग हो गई। अब न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके वो जो वीडियो हमने अभी रिकॉर्ड किया था वो लेकर आएंगे और उसके अंदर वो म्यूजिक अटैच करेंगे जो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से हमने डाउनलोड कर लिया, अपने मोबाइल फोन में पड़ा हुआ, दोनों चीजें पड़ी हैं, ठीक है, यहां पर क्लिक करके वो आ जाएंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमारी मोबाइल के अंदर वो सब चीजें पड़ी हुई हैं और वहां से निकाल लेंगे। अब देखिए ये वाला वो वीडियो था, ठीक है, ये हमने जैसे ही डाउनलोड की थी ये ऐप, गेमिंग ऐप, वहीं से रिकॉर्डिंग शुरू कर ली थी, ठीक है, और आखिर तक की थी, इसके कुछ हिस्से हमें हटाने होंगे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने सबसे पहले ये ले लिया और उसके बाद यहां पर क्लिक कर दिया, अब ये लोड कर रहा है इस वीटा मोबाइल ऐप के अंदर वो हमारा वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे ये जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था इसका जो फालतू का हिस्सा था वो निकाल देना है, क्योंकि नहीं तो आप इसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो बहुत बुरा लगेगा यार, ठीक है, वो पहले हटाना, क्लिप करना या एडिट करना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि कैसे जो हमने ऑडियो एक म्यूजिक निकाला है, ठीक है, वो यहां पर कैसे लगना है। तो पहले यहां पर जो फालतू का पार्ट है वो हटाना कैसे सीख लीजिए। पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि फालतू का पार्ट है कौन सा, ठीक है, उसके लिए हम इस बार एक बार इसको प्ले कर लेंगे। अब ये प्ले होना शुरू हो गया, देखिए हम चाहे तो इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं अगर आपने रिकॉर्डिंग लंबी कर रखी है, ठीक है, अभी यही दिख रहा है, अभी अगला हिस्सा आया ही नहीं है, ये सारा हिस्सा हटना है, ठीक है, क्योंकि हमने किसी को ये थोड़ी दिखाना अपने यूट्यूब चैनल पर कि इस ऐप को कैसे अपना डाउनलोड करना है, ठीक है, आपने सिर्फ गेम होता हुआ दिखाना है जो आपने खेला जिसके अंदर आप जीते, ठीक है, ताकि दूसरे लोग जब उस गेम को खेलें तो उनको लगे यार एक कोई वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर कैसे खेलते हैं और वो आपका वीडियो देख लेंगे और उसके बाद उसको फॉलो करके खेलना शुरू कर देंगे। ये ऐसा आज की डेट में बहुत सारे लोग करते हैं, बच्चे ज्यादातर हैं वो करते हैं, तो लेकिन आपको व्यू मिल जाता है, व्यू चाहे बच्चे का हो या बड़ा हो उसकी कीमत एक ही है यूट्यूब की नजर में, एल्गोरिथम की नजर में, समझ गए। अब देखिए मैंने पहला गेम खेला था वो मैं हार गया था, ठीक है, तो वो आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हर इसी तरह का जो गेमिंग ऐप है उसमें कुछ आपको ट्यूटोरियल दिए जाते हैं, सिखाया जाता है कि कैसे वो हिस्सा भी हटा देना है, हमने तो वो वाला हिस्सा लेना है वहां से आखिर तक का जिसके अंदर हमने एक नया गेम खेला और उसमें हम जीते, ठीक है, मैं वहां तक पहुंच जाता हूं जल्दी से। आपने भी मैंने जितनी भी अलग अलग गेमिंग ऐप के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने क्लिक करके सबको इसी तरह से रिकॉर्ड करना है जैसे सिखाया था पहले सेक्शन में और उसके बाद उसको इसी तरह से एडिट करना है। अब देखिए यहां से एक्चुअल गेम शुरू हुआ था जिसमें मैं जीता था या आप जीतेंगे होंगे जिसमें भी, ठीक है, आपने वहां से शुरू करना है और उससे पहले वाला जितना भी हिस्सा है यहां का ये आपने डिलीट करना है, ओके। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले इस लाइन को हम यहां पर फिक्स कर लेंगे,
और ये होगी कैसे, यहां एडिट पर क्लिक करके, ठीक है। अब यहीं पर दोबारा से एक बार आपने क्लिक कर देना है, ये स्प्लिट का बटन है। अब इससे पहले का कट गया, इस लाइन से पहले का, ओके। अब इस लाइन से आगे तक का कितना वीडियो रखना है और कितना आखिर का काटना है वो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। उससे पहले जो हमारा पहला वाला पोर्शन है जो हमने अभी हटा दिया, ओके, उसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। वो कैसे होगा, एक बार इसी पोर्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहां पर एक डिलीट का बटन आ जाता है, इसको स्लाइड करके आता है थोड़ा सा आगे करके, ये रहा देखिए, यहां क्लिक कर दिया। तो ऐसा करते ही क्या होता है, जो लाइन है ये आपके बाकी बचे हुए वीडियो के आखिर में पहुंच जाती है ऑटोमेटिकली, और उसके बाद ये कहती है भैया पीछे से भी कुछ काटना है तो देख लो। लेकिन सबसे पहले हम अपने शुरू के वीडियो पे चलेंगे जहां तक काट दिया था, ठीक है। उसके लिए मैं वापस यहां से पीछे जाऊंगा, अपनी फिंगर से स्लाइड करता हुआ आ गया। अब मैं वापस पहुंच गया और उससे पहले वाला जो हिस्सा था यहां से कट के उड़ गया। अब मैं आपको आखिर में भी अगर कोई पार्ट हटाना है तो वो कैसे करना है सिखा देता हूं। आप में से कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि पहले वाला तो दिखा दिया, आखिर वाला नहीं दिखाया, आपके कमेंट आ जाएंगे, चलिए वो भी देख लो। सबसे पहले मैं आखिर में पहुंच जाऊंगा इस वीडियो के, इसको स्लाइड करके इस डंडे को आखिर में ले जाऊंगा। अब मैं आखिर से लेके उस हिस्से तक जहां तक मैंने आखिर का हिस्सा उड़ाना है वो मैं डिसाइड कर लूंगा। उसके लिए अब मैं डंडे को थोड़ा सा पीछे ले जाना शुरू करूंगा। अब देखिए वीडियो आगे जा रही है और ये डंडा पीछे आ रहा है, और जहां तक ये डंडा मैं फिक्स कर दूंगा उससे आगे वाला कट जाएगा। और आप यहां ऊपर देखते भी रह सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है ये यहां पर प्ले भी होती है जब आप इसको आगे पीछे करते हैं इस डंडे को, तो आपको पता रहता है कहां से काटना है, जहां गेमिंग वीडियो खत्म हो गई और बाकी चीजें आ गई, जहां पर आपको वो कंग्रेचुलेट करने लग गया या कुछ भी है, ठीक है, तो वो हिस्सा यही आ गया, ठीक है। अब हमें यहां पर स्प्लिट करना है, ठीक है, और उसके बाद ये सिलेक्ट करना है कि ये काटना है या ये काटना है। पहले हमने ये काटा था, ठीक है, अब हमने ये काटना है, ये बेकार का है, ओके। और उसके लिए मैं ये जो नीचे वाला मेन्यू है इसको मैं राइट में स्लाइड करूंगा, तो देखिए मैं यहां आ गया और जहां लिखा है स्प्लिट फिर वहीं क्लिक कर दूंगा। और ये बाय डिफॉल्ट इसने ये दिखाई दिया क्योंकि इसको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले पहले वाला हिस्सा काटा, अब आखिरी का ही काटेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एक बार फिर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहां पर डिलीट कर दूंगा। अब ये आखिर का भी कट गया। अब ये भी सीख लिया आपने, इतना आसान भाषा में किसी ने नहीं सिखाया होगा, मेरी गारंटी है। अब हम अपने इस बचे हुए वीडियो में जिसको हमने एडिट कर लिया, ठीक है, इसके अंदर वो म्यूजिक लगा देंगे जो हमने डाउनलोड किया था, और उसके बाद यहां से एक्सपोर्ट करके ले जाएंगे, निकाल कर ले जाएंगे 4K क्वालिटी में, बिना वाटरमार्क के और फ्री में। और उसके लिए जो हमारा डंडा है, कर्जर है, उसको सबसे शुरू में ले जाएंगे ताकि पूरे वीडियो के अंदर वो म्यूजिक लगे। अब म्यूजिक कैसे ऐड होगा हमारे इस वीडियो में, यहां पर बैक बटन है क्लिक करेंगे। अब देखिए जहां साउंड लिखा है यहां क्लिक करेंगे, अब ये म्यूजिक का बटन आ गया, यहां क्लिक कर देंगे। अब ये ऐप खुद भी हमें कहती है भैया आपको म्यूजिक मेरे से चाहिए ले लो, ये भी कॉपीराइट फ्री है, लेकिन हमने देखा इस पे कॉपीराइट आ सकता है, तो हमने जो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी है वो वाला म्यूजिक चूज करना है क्योंकि हमने ये वीडियो यूट्यूब पर डालना है, तो वो अपने ही म्यूजिक पर कॉपीराइट नहीं देता है। अब देखिए उसके लिए मैं डिवाइस पर क्लिक करूंगा, ऐसा करते ही आप अपने मोबाइल फोन के जितने भी म्यूजिक हैं वहां पहुंच जाएंगे, जो आपने कभी बाई चांस चाहे ना चाहे गलती से भी डाउनलोड कर रखे होंगे वहां दिखेंगे, ठीक है। इनमें से जो हमारा म्यूजिक डाउनलोड किया हुआ उसका नाम आपने नोट करके रखा होगा, वो अपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि सबसे नीचे वाला है, और ये आपको प्ले हो जाएगा, और उसके बाद प्लस पर क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये वीटा ऐप ही हमें कुछ गाइड कर रही है यहाँ पर कि आगे पीछे कैसे लगाना है, ठीक है। तो फिर हमने तो पूरे वीडियो में लगाना है, वो ऑटोमेटिकली लगा कर देती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो बस आपने यहाँ पर कहीं पर भी एक बार अपनी फिंगर से क्लिक कर देना है और उसके बाद ये इस तरह से आपको दिखेगा म्यूजिक लगा हुआ जो आपने यहाँ पर लगा दिया। अब हम चाहे तो इसको प्ले करके देख लेते हैं, मैं इसको रोक देता हूं। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो तो पुराने वाले ही हैं जो इस वीडियो के साथ हमें मिले थे, रिकॉर्ड किया था गेमिंग ऐप के साथ में, ठीक है। और इसके अलावा जो म्यूजिक था अब वो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी का है जिस पर कॉपीराइट नहीं आएगा, जो इसका ओरिजिनल म्यूजिक था वो हमने लिया नहीं था, उसको ऑफ कर दिया था, तो उसके बिना ये डाउनलोड हुआ था, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो बन गया, इसको हम यहां से निकाल कर ले जाएंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने से इस वीडियो की सिर्फ प्रोसेसिंग हुई है इस ऐप के जरिए भी, और ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आपके मोबाइल फोन में आपके फाइल सेक्शन में, गैलरी सेक्शन में, सेक्शन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर सेव हो जाती है बिना वाटरमार्क के। अब इस वीडियो को हम YouTube पर अपलोड करेंगे, उसके लिए हम नया YouTube चैनल बना लेते हैं, YouTube की ऐप पे चलते हैं। अब देखिए YouTube की ऐप मेरे सामने खुली हुई है, यहां पर जहां एक आइकन दिख रहा है यहां पर आपको कुछ और लिखा हुआ दिखेगा, ABCD कुछ भी हो सकता है, यहां पर एक बार क्लिक कर देना है। यूर चैनल पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये पेज खुलेगा। अब यहां पर आपको अपना फोटो डालने की ऑप्शन मिलता है यहां से क्लिक करके, और उसके बाद यहां पर आपको एक नाम ये ऑटोमेटिकली दिखा देता है, आप चाहे तो यहां पर क्लिक करके इस नाम को बदल सकते हैं। एक हैंडल है ये भी आपको दिखाता है, इसकी आवश्यकता है नहीं है वो बात की बात है, इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देंगे। बस हमारा चैनल बन गया आधे मिनट के अंदर। अब यहां पर अपनी जो वीडियो हमने बनाकर रेडी कर ली है और अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर ली,
है, ठीक है, और उसको यहां पर डालना है, अपलोड करना है, उसके लिए प्लस पर क्लिक करेंगे, अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पर आप करते ही अपने मोबाइल फोन के उस सेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां सारी वीडियोस होती हैं। ये ऐप आपको ढूंढ के आपके मोबाइल फोन का वही सेक्शन दिखाती है, ठीक है। तो जो सबसे लेटेस्ट होगा होपफुली वही है, आप पहचान लीजिएगा, जो वीडियो डालनी है उस पर एक बार क्लिक कर देना है। अब ऐसा करते ही ये प्ले करना शुरू कर देता है, ठीक है, आपने बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर जो टाइटल है ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी ये वीडियो यूट्यूब सर्च के अंदर ऊपर आती है, टाइटल की वजह से ही। पहले डिस्क्रिप्शन में और टैग्स की वजह से आती थी, अब टैग्स की वजह से इतनी नहीं आती है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और मेनली टाइटल की वजह से आती है। अब यहां पर जो आपने गेम रिकॉर्ड किया है उसका नाम डाल देना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उस गेम को खेलना चाहेगा और यूट्यूब पर आकर देखेगा, भैया जिन लोगों ने पहले ये गेम खेली हो सकता है उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाए, मुझे आइडिया लग जाए कैसी है, ओके, तो वो फिर उसको जब यूट्यूब के सर्च बार में डालेगा तो आपका वीडियो उसको दिखेगा, ओके। तो उस गेम का नाम आपने यहां पर डाल देना है, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और उसके आगे आप लेवल भी लिख दीजिएगा कि आपने कौन सा लेवल खेला, 1, 2, 3, 4, वो अलग गेम में अलग अलग होते हैं। और इसके अलावा टाइटल के अंदर ही आप कुछ हैशटैग्स लगा देंगे तो वो भी अच्छा रहता है, ठीक है। मैं पहले यहां पर एक इस तरह का एक सिंबल लगा दूंगा, और उसके बाद मैंने लिख दिया गेम्स, एक्शन गेम और गेम रिकॉर्डिंग। यही डालकर जितने भी प्लेयर्स होते हैं जो गेम्स खेलना चाहते हैं वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, भाई इस तरह का गेम किसी ने खेलकर रिकॉर्ड कर रखा है तो एक बार देख ले, फिर हम अच्छी तरह से खेल लेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो ये वीडियो है ये ऊपर आएगा रैंकिंग में। अब हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तो सबसे पहले जो टाइटल है उसी को हम कॉपी कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये जो पर्टिकुलर गेम था, जो ये जिस भी गेम को आप खेलकर रिकॉर्ड करके यहां पर डालेंगे, उस पर्टिकुलर गेम का एक लिंक आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति आपका वीडियो वैसे ही देखते हुए पहुंच जाए कि यार मुझे भी ये गेम खेलनी है, तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो उस लिंक पर क्लिक करके वो गेम खेल ले। खैर, अब यहां पर बैक बटन पर क्लिक करके वापस आ जाऊंगा, तो हमारा ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन डल गया। जहां पर विजिबिलिटी लिखा अनलिस्टेड होगा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका जो वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए, आपने कहना है नहीं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं, ये डालना आवश्यक होता है। ये यूएसए बेस्ड इस यूट्यूब मोबाइल ऐप की पॉलिसी है, उसके बाद ही यहां पर क्लिक करने के बाद ही आपका ये वीडियो बच्चे से बूढ़े तक को दिखाई देगा, ठीक है। ये करने के बाद अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपकी ये जो यूट्यूब की वीडियो बनने वाली है इसमें थंबनेल बहुत आवश्यक होता है, और यूट्यूब भी आपको फ्री में बनाकर देता है। वो ये बनाकर देता है अपनी एक और फ्री की मोबाइल ऐप से जिसका नाम है यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। वहां चलकर हम अपना एक थंबनेल बनाएंगे शानदार सा, और फिर ये जो वीडियो यहां पर अपलोड हो रही है ये हमें यूट्यूब की जो स्टूडियो ऐप है वहां ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगी, यहां वापस नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वहीं पर हम जो थंबनेल बनाएंगे वो वहीं पर लगा देंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल दिए, एक दो और सेटिंग करेंगे और अपना चैनल पर ये अपना नया बना हुआ गेमिंग का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए यूट्यूब स्टूडियो ऐप पर लेके चलता हूं, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करते ऐसे खुल जाएगी, इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, उसके बाद ये पेज खुलेगा। शायद आपको यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिखे, इसका कोई अर्थ नहीं है, नीचे जहाँ कंटेंट लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपका जो वीडियो है यहाँ पर अपलोड होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में समय लगता है, जब तक ये वीडियो प्रोसेसिंग होकर अपलोड नहीं होता है तब तक थंबनेल वाला जो फ्री का फंक्शन है इस ऐप का वो ओपन नहीं होता, ठीक है, इसलिए वेट करते हैं। जैसे ये प्रोसेसिंग पूरी हो गई उसके बाद हम थंबनेल बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पर देखिए जहाँ लिखा हुआ है ये टाइटल, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो एडिट का बटन है यहाँ क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो यूट्यूब स्टूडियो ऐप है इसने आपकी जो पूरी वीडियो है जिसको आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया है उसमें से एक शानदार सा एक फोटो निकाल कर आपको दे दिया है, इसको आप अपनी थंबनेल के नाते रख लो, ठीक है। और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप चाहे तो यहाँ एडिट के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2-3 और ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी आपको ठीक लगे वो आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। फिलहाल मैं इसी को रख लेता हूँ, अब यही मेरी थंबनेल हो गई, और उसके बाद डन पर क्लिक कर दूंगा। अब हमारी थंबनेल बन गई, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये अभी अनलिस्टेड है, इसको अब हम पब्लिक कर देंगे और बैक बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ टैग्स लगा देंगे और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद लाइव कर देंगे। तो उसके लिए यहां पर क्लिक करेंगे, ऐड टैग्स पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम वही टैग्स यहां पर लगा देंगे जो हमने टाइटल के अंदर यहां पर हैशटैग्स लगाए थे, ठीक है। आप चाहे तो इसको 500 कैरेक्टर्स का पूरा भर सकते हैं, मैं फिलहाल जल्दी से कुछ लिख देता हूं। जैसे आप कोई भी टैग लगाएंगे उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर ये टैग बन जाता है। अब यहां पर हम कैटेगरी चूज करेंगे, जहां लिखा हुआ पीपल एंड ब्लॉग इसको बदलेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे प्लस पर, गेमिंग वाली कैटेगरी ले लेंगे, अब फिर से बैक बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारी सारी चीजें सेट हो गई, अब सेव पर क्लिक कर देंगे। अब बस हमारी वीडियो पूरी बन गई, तैयार हो गई, अब हम इसको प्ले पर यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपकी नई वीडियो बनके तैयार होगी। म्यूजिक भी है, कॉपीराइट फ्री है, और जो एक्शन की साउंड्स थी वो अपनी जगह है, ठीक है। और इसी तरह से आप चाहें तो जिस तरह से मैंने आपको सिखा दिया है, 10 20 50 100 जितने भी वीडियो बनाकर अपने नए बने हुए पुराने भी यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए, और जिस तरह से मैंने आपको सेटिंग्स बताई है कर लीजिए। और आज की डेट में गेमिंग वाले वीडियोज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था, कोशिश कर लीजिए, हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल चल जाए और आप कमाई कर लें। देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि YouTube मोबाइल ऐप के जरिए अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। इससे कमाई करने के दो ही तरीके हैं, एक तो ये है कि जैसे मैं आपके सामने अपना फेस दिखाकर अपनी आवाज में कुछ बोलकर या कोई एक्ट करके आपको दिखाता हूं और आप मेरे वीडियोस देखते हैं और उससे YouTube चैनल के ऊपर कमाई होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते किसी कारण से, तो जो दो तरीका मैंने आज आपको बताया है ये एक रियल और प्रैक्टिकल तरीका है, जिसमें ना आपने फेस दिखाना है ना अपने मुंह से कुछ बोलना है, फिर भी आपकी कमाई हो सकती है। दूसरे कमा रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है, आप भी कोशिश कर लो। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने काफी वीडियोस बनाकर YouTube पर डाल रखे हैं, जिनमें मैंने बड़ी अनोखी जानकारियां दी हैं। अगर आप मेरे बाकी वीडियोस देखना चाहें तो उनकी दो प्लेलिस्ट है, उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके उन्हें भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।